मम्मी। हाँ? क्या कर रहे हो? अरे बेटा चाय बनाऊंगी, ये गिर गई मेरे से सारा सामान ना, फिर खाना बनाऊंगी। क्या मम्मी आप भी रोज रोज सेम ही काम करते रहते हो, बोर नहीं होते क्या आप कभी? अरे बेटा अब काम से क्या बोर होना, काम तो अपना कर्म है, करना ही चाहिए। अरे मम्मी कभी कभी इस कर्म को भी आराम दे देना चाहिए। क्या मतलब तेरा? अरे मम्मी मेरा मतलब आपका मन नहीं करता कहीं बाहर जाएं, कहीं बाहर का कुछ खाएं टेस्टी सा? रोज ये रोटी खा खा के पके नहीं हो क्या आप? अरे बेटा मैं कैसे जाऊंगी बाहर, तेरे पापा को तो छुट्टी मिलती नहीं है और किसके साथ जाऊं, मैं तो आज तक नहीं गई कभी। मम्मी देखो टाइम तो ना निकालने से निकलता है, वैसे भी पापा संडे वाले दिन तो फ्री होते हैं, टांग पे टांग रख के यूं महाराजा की तरह बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करते पूरा दिन। अब देख लो आप उनको बोलो तो रेस्टोरेंट में खाना खाने चल सकते हैं संडे। सही कह रहा बेटा, आज तो दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। हाँ मम्मी दौड़ा लो, और देखो मैं आपके साथ हूँ, देखो अगर आपको रेस्टोरेंट में खाना खाने भी चलना है ना तो भी मैं आपके साथ हूँ, देखो। पक्का? हाँ पक्का, पापा आएंगे आपके साथ खड़ा हूँ मैं, बिल्कुल आपके पीछे, मेरा मतलब आगे आगे खड़ा हूँ आपसे भी। तो टाइम देखना कितना बज गए, बस आने ही वाले है पापा, हो गया टाइम। फिर तो बेटा ऐसा करेंगे, तेरे पापा को आते ही पहले बात यही करनी है कि हमें बाहर खाना खिला के लाओ, यही बात मनानी है। ये हुई ना बात मम्मी। ये लो पापा भी आ गए। अरे वाह पापा, क्या खास बात है आज? आज तो बड़ी जल्दी आ गए। जल्दी थोड़े आए मम्मी, 5 मिनट लेट है। अच्छा लेट है, वो हमें जल्दी लग रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा मुझे तो। अच्छा मैं ये कह रही थी कि हमें भी रेस्टोरेंट में कभी खाना वाना खिला लाया करो। पक्का इस सुमित ने आग लगाई है, तुम्हारे कंधे पे रख के ये बंदूक चला रहा है समझी? पापा देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो उल्टा मम्मी सोच रही थी कि कहीं बाहर का कुछ खा लें, इतने दिन से बेचारी रोटी खा रही है ये घर की। अच्छा सुनो आपको नहीं लगता क्या, आप बोर नहीं हो रहे क्या मेरे हाथ की रोज बनी हुई रोटी खा खा के? कभी कभी बाहर का भी चाहिए ना। अरे तुम भी कैसी बात कर रही हो, इस हफ्ते तो मुश्किल से घर का गुजारा होगा, एक हफ्ते के बाद सैलरी आएगी तभी सोच सकते हैं, उससे पहले तुम सोच भी नहीं सकते कहीं बाहर जाने की। अबे यार। पक्का? हाँ ठीक है, अगले हफ्ते सैलरी आ जाएगी ना फिर पक्का चलेंगे। कोई नहीं मम्मी एक हफ्ता और कर लो काम, क्या दिक्कत है, अगले हफ्ते तो जा ही रहे हैं। तू कुछ प्रूफ ले ले अपने पापा का, एक मिनट में बम बना कर देंगे। अरे प्रूफ क्या, ये सतीश शर्मा की जुबान है, इधर से इधर नहीं लेगी। पक्का? पक्का। पहले चाय बनाती हूँ ये पापा की भी। मिशन सक्सेसफुल। पापा आ गई, पापा। ओह नमस्ते पापा। नमस्ते। ठीक ठाक हो? हाँ ठीक हूँ, मेरे क्या होना है? ज्यादा थके तो नहीं? नहीं तो। मम्मी सैलरी की पूछ लो ना। आपको सैलरी मिल गई? हाँ सैलरी आज मिल गई। अच्छा तो फिर चलो तैयारी करते हैं, चलो। ओए कहाँ, कहाँ की तैयारी? रेस्टोरेंट की, खाना खाने। आपने बोला था ना कि सैलरी मिलते ही तुम्हें खाना खिला के लाऊंगा रेस्टोरेंट में। मेरे रामकली सैलरी में तो तेरे घर का खर्चा मुश्किल से निकलता है पूरे महीने का, अगले हफ्ते बोनस आएगा तब चलेंगे। कितना झूठा है मम्मी ये आदमी। कहा था ना मैंने तेरे को कि बंदा गिरगिट की तरह रंग बदलता है। सही कह रहे थे मम्मी आप, कुछ रिटर्न में ले ले, अगर ले लिया होता तो केस ठोक देता आज मैं इस बात पे। तो तुम पागल वागल तो नहीं हो, महीना निकालना मुश्किल पड़ जाएगा सैलरी में अगर अभी कुछ खर्चा कर दिया तो, समझे? अच्छा ठीक है, बोनस आने के बाद पक्का लेके जाओगे ना? हाँ पूरा बोनस खर्च कर दूंगा। पूरा लुटा दोगे? पूरा। अरे मम्मी ये मेरे को अच्छा सौदा लग रहा है, एक हफ्ते की तो बात है, बोनस पूरा मतलब मौज ही मौज। अरे बेटा तू अभी बच्चा है, तू अपने पापा पर यकीन कर लेगा, लेकिन मैं नहीं कर सकती, जब तक रेस्टोरेंट में जाके पेट भर के ना खा लूं तब तक मैं यकीन नहीं कर सकती। अच्छा मतलब मुझ पे यकीन नहीं है तो छोड़ो,
प्रॉम कैंसिल। अरे नहीं 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 पापा, कोई शक नहीं कर रहा आप पे, आप पे तो कोई शक कर ही नहीं सकता। वो तेरे पड़ोस में कुछ कह रही है। अरे पड़ोसियों की बात थोड़ी सुनते हैं पापा, अपनों की बात सुनते हैं। दिल से दिल मिले, पापा बेटा के फूल खिले। ठीक है, बोनस मिलते ही चलेंगे और पूरा बोनस लुटा देंगे वहाँ। क्या मम्मी, आपको भी पटाना भी नहीं आता? एक मिनट में पटा लिया, बोनस लुटवाएंगे। राम राम पापा। राम राम। बोनस मिल गया? हाँ बोनस मिल गया। ठीक है मम्मी, चलवा दो। कहाँ कहाँ जाने की तैयारी है? रेस्टोरेंट की। बोला था ना आपने, बोनस मिलते ही लेके चलूंगा। हो गया तुम्हारा, अब मेरी सुनो। ये तो नादान है, बच्चा है, बालक है, तुम तो समझदार हो। बोनस मिला पूरा 1000 रुपए, उसकी मैं सोच रहा हूँ कि FD करवा दूं। आगे इसकी शादी में पढ़ाई में काम आ जाएंगे। FD कराओगे? मतलब FD कराओगे आप अब? हमारी इच्छाओं को मार के, हमारी भावनाओं को तोड़ के, अब तुम इस पैसे को छत्ती बदल कर लेके जाना। चलो मम्मी, जो सोचा था वही कर देते हम। मेरे पापा हाय हाय। मेरे पति परमेश्वर हाय हाय। मम्मी आपके हस्बैंड हाय हाय। सुमित के पापा हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारे को रेस्टोरेंट में खाना खिलाओ। अबे ये क्या ड्रामा है, किसी अन्ना हजारे से मिल के आए हो क्या? कोई ड्रामा नहीं है पापा, ये सीधी सी बात है। अगर रेस्टोरेंट में खाना खिलाओगे तो घर पे खाना मिलेगा, वरना आज घर पे खाना नहीं मिलेगा। आज क्या, कभी खाना नहीं बनेगा। हम भी भूखे मरेंगे, आप भी भूखे मरोगे। और ये अपने हक के लिए लड़ाई है। अरे इतनी वाहवाही मत करो मेरी, बदनाम करोगे मोहल्ले वाले ने सुन लिया तो। चलो ठीक है, 1000 रुपए बोनस मिला है, कल सारा लुटा देंगे रेस्टोरेंट में, कल चलेंगे सवेरे। ये सही है मम्मी। चलो बेटा हड़ताल खत्म करते हैं। नहीं नहीं मम्मी, अभी हड़ताल खत्म नहीं होगी, ये तो सिर्फ आपकी डिमांड पूरी है। मेरी डिमांड तो अभी बाकी है, आपको जाना था रेस्टोरेंट में तो। मेरी डिमांड बाकी है। देखो पापा, अब आप अपने वाली को लेके जा रहे हो तो मेरा भी हक बनता है। देखो मैं अपने वाली को लेके जाऊँ। अब तेरी शादी कब हो गई? अरे पापा शादी नहीं, पर सेटिंग तो हुई है ना, यानी मेरी गर्लफ्रेंड। अरे बेटा वही क्या, सेल्फी? हाँ मम्मी वही सेल्फी। ना बेटा उसको नहीं लेके चलना, वो इतने फोटो खींचती है, इतने फोटो खींचती है, बोर कर देती है बेटा। इतने फोटो तो हमारी शादी में भी ना खींचे, पूरी एल्बम तैयार कर देती है। अब ये कौन है सेल्फी, क्या रामलीला चल रही है तुम्हारी, कौन है ये? अरे वही जो पिछले हफ्ते आपसे मिलने आई थी, वो मरियल सी। हाँ पागल लड़की पकड़ी यार, को डंकी पकड़ता। अरे वही ठीक है इसके लिए, ये कौन सा इतना बड़ा पहलवान है। ठीक है दोनों, देख लो पापा फिर, या तो मान जाओ वरना फिर मैं हड़ताल से नहीं हट रहा। अरे यार इसके और नखरे। चल ठीक है बुला लियो। ये ठीक है मम्मी, चलो 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 हड़ताल अभी बन। नहीं पहले मेरे जिंदाबाद के नारे लगाओ। ये तो हम भी कर देंगे। मेरे पापा जिंदाबाद, मेरे पति परमेश्वर जिंदाबाद, मेरी मम्मी के हस्बैंड जिंदाबाद, मित के पापा जिंदाबाद। अरे पापा आज इतना खाना खा जाऊंगा, इतना खाना खा जाऊंगा रेस्टोरेंट में, बस एक महीने का कोटा पूरा कर लूंगा आज ही। बेटा 1000 रुपए जेब में डाल रखे हैं, दिल खोल के खाना खाएंगे आज। अरे पापा मोटा पैसा फूंक देंगे मोटा। आज तुम्हारी सेल्फी इतनी सेल्फी ले लेगी, इतनी सेल्फी ले लेगी, किसी ने सोची ना होगी। और मैं जो करूंगी ना वो तुम देखते ही रह जाओगे। चलो अब जल्दी। चलो ना मामा भागो, जल्दी 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 निकलो, भागो भागो। अरे सुमित बेटा ये कहाँ ले आया, यहाँ तो एरोप्लेन है, हम तो खाना खाने आए हैं ना। अरे मम्मी ये एरोप्लेन नहीं है, ये रेस्टोरेंट है, इसके अंदर खाना मिलेगा। क्या बात कर रहा है यार, सामने दिख रहा है एरोप्लेन है और हम पासपोर्ट भी नहीं लाए हैं। अरे पापा यहाँ पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ आपको हवा में थोड़ी उड़ना है, खाना ही तो खाना है अंदर जाके। अरे बेटा पहले इसके अंदर बैठ के उड़ेंगे फिर खाना खाएंगे हवा में। अबे यार।
अरे मम्मी ये उड़ेगा नहीं, इसको खाली शेप दी गई है एरोप्लेन की, बॉडी बॉडी एरोप्लेन की बस, ये इंजन नहीं है इसके अंदर, नहीं उड़ेगा ये। इसके अंदर जाएंगे बैठ के आराम से चेयर पे, फिर खाना खाएंगे। अच्छा हाँ, वाह हमारे देश में तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई। हाँ चलो मम्मी अब खाना खाते हैं अंदर जाके। अरे पापा मम्मी ऐसे गरीबों की तरह क्यों चल रहे हो, थोड़े रिच क्लास की तरह चलो। क्या हुआ अगर कपड़े मांग रखे हैं, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, चलो। अभी कभी कुछ देखा नहीं क्या तूने, चल। पर यहाँ क्यों बैठ गए, अंदर चलो ना, अंदर खाना मिलेगा खाना। चलो चलो थक गए तुम तो, जल्दी चलो जल्दी। मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में। काफी बड़ा है ना। अरे पापा हमारे घर जैसे तो दो घर आ जाए यहाँ, इतना बड़ा है ये। ये चाकू कितना बढ़िया है, अपने किचन में काम आएगा, चल तू ले चलना। सही कह रहे हो पापा, जो फंसे उठा लेना। अरे बेटा ये इतने सारे रुमाल क्यों रखे हैं? अरे पापा ये रुमाल नहीं है, ये है टिश्यू पेपर। प्लेट देखो कितनी साफ सुथरी है, ऐसा मन करता है इसमें खाना ही ना खाऊं। सही कह रहे हो मम्मी, मेरे को भी बहुत साफ लग रही है, एक काम करेंगे हाथ में रख के खा लेंगे, वैसे भी घर पे भी तो खाते ही है। और क्या? अरे पापा अभी नहीं, बाद में खाना खाने के बाद उठाएंगे, थोड़ा तो सब्र रखो। कोई आया नहीं। बेटा हाँ बेटा, अबे तो तला है क्या, अमीर लोग ऐसे बोलते हैं। वेटर वेटर, अबे कहाँ मर गया भूतनी के। हेलो सर, हेलो मैम, हेलो सर, हेलो मैम। ये वेटर है, इससे अच्छी शक्ल के तो ढाबों में मिल जाते हैं। What would you like to have, sir? है? मैं कह रहा हूँ सर, क्या लेंगे खाने में? अच्छा वैसे हमें वो भी समझ में आ गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑर्डर एक काम करो, बाजरे की रोटी ऊपर टिंडी दर के, लहसुन की लाल मिर्च गेल, वन ग्लास लस्सी का आन दो। सर ये सब नहीं है हमारे पास। तो इतना बड़ा रेस्टोरेंट क्यों खोल रखा है? ये लो सर मेन्यू, इसमें से देख लो। अरे इधर दे, मैं बताऊंगा। अंग्रेजी में है, हमने अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया ना, उसको अंग्रेजी अच्छे से आती है। सुमित बेटा इसमें पढ़ के है ना, खाना मंगा ले। मैं पढ़ूंगा, मैं मंगवाऊंगा, आज मेरी पसंद का खाना खाना आप, ठीक है? पापा ये तो मेरी स्कूल की कॉपी से भी बड़ा है, अभी अभी फटाफट पढ़ देता हूँ, सब सीखा मैंने, सब आता है मेरे को। फ्रेंच 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 सॉरी सर वो फ्रेंच फ्राइज है। हाँ चल चल अपने बाप को मच का, पता है मेरे को फ्रेंच फ्राइज है। वैसे आज मेरा मूड नहीं ऑर्डर करने का, चल सेल्फी तो ऑर्डर कर ले। बस अब कितना खाएगी? इतना खा लेगी क्या छोरी? हरियाणवी बेटे आप कहाँ के हो? वो आंटी जी मैं हिसार का। अरे मम्मी हिसार का, ये तो अपने यहाँ का है। हिसार में आप कहाँ रहते हो? अरे हिसार में आंटी जी बाटा चौक है, बाटा चौक क्या आगे लक्ष्मी चौक, बस वहीं रहता हूँ मैं। अरे आप किसके बेटे हो? अरे आंटी जी वो रामलाल है ना, मैं उनका पोता हूँ। रामलाल वो तो मेरे ताऊ जी है, आप मुझे जानते हो? नहीं आंटी जी। अरे रामलाल मेरे ताऊ जी हैं और मैं उनकी बेटी हूँ, तो मतलब तेरी बुआ। तो बेटा जो भी खाना लाए ना डबल लिया, पैसे भी नहीं लगेंगे हमारे यहाँ तो, बढ़िया हो गया। अरे आंटी जी देखो, दुकानदारी अपनी जगह, रिश्तेदारी अपनी जगह। तो अपनी बुआ से पैसे लेगा? अरे मैं नहीं दे सकता बुआ जी, क्यों नहीं समझ रहे आप? अच्छा ठीक है, ज्यादा बकवास मत कर, एक पन्नी तो ला देगा। हाँ वो कर सकता हूँ मैं। हाँ तो जा पन्नी ले आ। ठीक है बुआ जी। वैसे मम्मी ये रामलाल कौन है? कोई रामलाल नहीं है, मैं नहीं जानती किसी को भी, ये तो हरियाणवी बोल रहा था इसलिए मैंने बोल दिया। खाना फ्री में खा के जाएंगे। अरे वाह मम्मी कमाल हो आप तो, क्या फायदा खाना तो फ्री मिला ही नहीं। फ्री मिलेगा टेंशन ना ले,
ये लो आंटी जी, मेरा मतलब बुआ जी, ये लो। अबे यार परेशान कर दिया तूने, क्या है सेल्फी, हर टाइम सेल्फी लेती रहती है, दिमाग खराब करके रख रहा है। यार कब आएगा खाना, भूख लग रही है। अरे पापा पता नहीं कब आएगा ऑर्डर, कितना टाइम लगा दिया इन लोगों ने, बोर हो गए बिल्कुल। अरे पापा ये खेलते हैं ना। ये क्या गेम है। अरे खेलते हैं चलो। कैसे। अरे आओ तो सही। ये। अच्छा ये। हाँ ये तो मैं स्कूल में खेलता था। अरे पापा ये क्या कर दिया आपने, ग्लास तोड़ दिया। तूने तोड़ा। मैंने थोड़ी तोड़ा, आपने तोड़ा, आपने मारा वो। एक सेल्फी ले लेते हैं। अबे पागल है क्या, अभी भी तेरे को सेल्फी की पड़ी है, यहाँ इतना ज्यादा नुकसान हो गया। पापा मेरे को तो ये बहुत महंगा ग्लास लग रहा है, हम 1000 रुपए का खाना खाने आए थे बस, और ये अकेला ग्लास लग रहा है मेरे को 2500-3000 का। तो बगैर खाना खाए चले। कर दिया ना नुकसान। सत्यानाश, अब क्या करें, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हाँ एक काम करते हैं, ग्लास उठाओ, ग्लास को उठा के ऊपर रखो और चिपका के रख देना थोड़ा, ठीक है, और फिर वेटर को बुलाएंगे पानी के लिए, जैसे ही पानी के लिए ग्लास उठाएगा से नीचे गिर जाएगा और इल्जाम पूरा वेटर पे थोप देंगे, और फिर मैनेजर को बुला के ता 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 ता। कैसा लगा आइडिया। चले चलो। अब बुलाते हैं वेटर को, ठीक है। वेटर वेटर। हाँ जी सर। प्लीज ब्रिंग सम गला चेक करने का केमिकल। ओके। आई मीन H2O। आई मीन पानी। ओके। ग्लास तोड़ दिया। मैंने नहीं तोड़ा सर। अभी अभी तोड़ा तूने, हमारी आंखों के सामने तोड़ा तूने अभी अभी। ये मैंने थोड़ी ना किया, ये आप लोगों ने किया है। हमने थोड़ी किया, तेरे हाथ से टूटा, तूने उठाया अभी अभी। हम यहाँ तुम्हारे ग्लास तोड़ने आए हैं, मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर। नहीं। मैनेजर। नहीं। मैनेजर। नहीं। ये कैसे आलू के पकोड़े का नौकरी पे रखा है। पानी के लिए ग्लास मांगा, ग्लास तोड़ दिया। सर मैंने नहीं तोड़ा। बदतमीज निकल जाओ यहाँ से, खुद तो मरेगा मुझे भी मरवाएगा, इतने प्यारे कस्टमर को परेशान कर दिया, सॉरी सर। अरे चलो कोई नहीं, हमारा दिल बहुत बड़ा, माफ किया आपको, जाओ जाओ। अरे ओ भाई मैनेजर साहब, ये टूटा हुआ गिलास ले जाओ, दूसरा नया गिलास लाओ और पीने के लिए पानी भी लाओ। ओके सर। और थोड़ा जल्दी लाना, ठीक है। बच गए। एक और तोड़े। पागल हो गए हो पापा, एक वेटर की नौकरी तो खा गए और कितने वेटर की नौकरी खाओगे, और एक बार मैंने बचा लिया ना, दूसरी बार नहीं बच पाओगे, और जितनी महीने में सेविंग करते हो ना, सारी की सारी यहीं लग जाएगी, कितने महंगे ग्लास आपको पता भी है। अरे उसकी बेचारे की नौकरी चली गई। अच्छा पापा चलो खेलते हैं। मेरे मुंह से निकल गई है, खेलेंगे क्यों, आपकी वजह से ही तो ग्लास टूटा था, आप खेले थे इसलिए। अरे मम्मी पापा ये ऐसे क्यों खा रहे हो तो? अरे पापा इनके साथ खाओ, थोड़ा इम्प्रेशन पड़ना चाहिए ना, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, थोड़ा रिच क्लास दिखाओ, ठीक है। इनके साथ पराठे इनसे खाएं। हाँ इनसे खाओ, थोड़ी क्लास बनेगी मम्मी, कोई देखेगा तो सोचेगा ना अमीर है। चलो खाओ इसके साथ। अरे यार देखा तो था YouTube पे, लगता है भूल गया, कैसे काटूं अब। कट गया आपका, अब कैसे खाएं, भूखे रहेंगे।
मेरा कट गया। अब खाऊंगा। देखो मम्मी। चल मार। अरे मम्मी, यहाँ के कितना अच्छा लग रहा है ना, फ्रेश फील हो रहा है। अंदर थोड़ी घुटन सी हो रही थी। सही कह रहा बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है बाहर। मम्मी, आपको पता है हम कहाँ बैठे हैं? कहाँ? एरोप्लेन के विंग्स पे, मतलब पंखों पे। अबे टूट तो नहीं जाएगा? हाँ। अरे पापा, ऐसे थोड़ी टूट जाएगा। बहुत मोटे मोटे आदमी बैठे हैं यहाँ। अच्छा पापा, तो अभी मैं बिल मंगवा लेता हूँ। वो 1000 रुपीज उसके मुंह पे मारना फेंक के, ठीक है? 1000 रुपए का बिल आ गया, ज्यादा नहीं आ गया? ए मम्मी, पैसा बहुत है, क्या दिक्कत है? वेटर, वेटर, जल्दी बिल लेके आओ। हाँ जी सर। अबे तू वापिस कैसे आ? अरे ये कहाँ से आ गया? अरे मैडम, ग्लास टूटा है ना कि मैनेजर का विश्वास। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, बिल दे। बाबा एक काम करना, असरफियां इसके मुंह पे मारना फेंक के। अपने बाग का माल ही ना रखूं मैं इसको। ये क्या हुआ? क्या हुआ पापा? अरे मम्मी, फोन आया होगा, वाइब्रेशन हो रही, चेक करो। क्या हो गया? मैं कर देता हूँ, बिल से डर रहे हैं, मैं पे कर दूंगा, इतने तो मेरे पास भी होंगे। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ मम्मी। दे रहे हैं असरफियां, देंगे असरफियां। पापा इधर आओ। इन्होंने तो 50,000 का बिल बैठा दिया। इतना तो हम पे नहीं कर पाएंगे, इतनी तो हमारी पूरे साल की कमाई है। एक काम करते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। निकाल बेटा अपनी खोपड़ी में से कुछ जुगाड़ जल्दी। हाँ पापा, एक काम करेंगे, आप है ना हार्ट अटैक आने की एक्टिंग करना। जैसे ही आप एक्टिंग शुरू करोगे, मैं सारा का सारा इल्जाम इनके खाने के ऊपर थोप दूंगा कि आपके खाने की वजह से मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है। और फिर ये डर जाएंगे, और फिर मैं इन्हें पुलिस केस की धमकी दूंगा, फिर सारे पैसे माफ, ये हमें जाने देंगे। सही आइडिया ना पापा? और अगर ये प्लान कहीं ना कहीं फेल हुआ तो पापा याद रखना, बर्तन मांजोगे। अब पूरा दारमदार आपकी एक्टिंग पे है। देख लो, 50,000 रुपए बचा सकती है आपकी एक्टिंग। दिखा दो आज अपनी एक्टिंग स्किल्स। अभी दे रहा हूँ आपको पैसे। क्या हुआ? क्या हुआ पापा? क्या हो गया मेरे पापा को? क्या हो गया पापा? अरे क्या हो गया अंकल? स्माइल करो, जल्दी से एक सेल्फी ले लेते हैं। जानता नहीं मैनू, सेल्फी क्वीन हूं मैं। अबे ओ सेल्फी क्वीन, या मेरे पापा की जान अलग में और तेरे को सेल्फी की पड़ी है? चुप जा तोर फिट्टे मुंह तेरे। क्या हुआ? अबे ओ मैनेजर, तेरे वेटर ने खाने में पक्का कुछ मिलाया, मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया तुम्हारे खाने की वजह से। तुम पे तो पुलिस केस करूंगा, तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद करवाऊंगा। और कमीने, तुम्हारा रेस्टोरेंट है ना, अपने नाम करा लेंगे हम। देखियो क्या हो गया पापा, हट जा तू। सर इस बार मैंने कुछ नहीं किया। चुप बदतमीज, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। शुक्र है आज बच गए, वो तो शरीफ फैमिली थी, वरना उम्र भर चक्की पीसते जेल में। मैं तो कहता हूँ बार बार आए ऐसे कस्टमर। चल निकल। आओ पापा, आओ जल्दी, आओ जल्दी आओ। पापा अब तो उसमें आ जाओ, बाहर आ चुके हैं, एक्टिंग से बाहर निकलो। ये 50,000 बचा लिए पापा। मम्मी
ये बैग किस चीज का है? अरे वही है जो प्लेटे चम्मच और वो काटे वाटे सब है। अरे ओ मम्मी, मतलब आज तो पूरा बोनस लिया है, कुछ नहीं छोड़ा, मजा आ गया। मतलब जल्दी से रख लो, यहाँ से भाग लो। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट मुझे जरूर बताना। और हाँ गाइज, मैं आया हूँ यहाँ रोहिणी में रनवे में, रनवे रेस्टोरेंट जो एरोप्लेन की शेप में बना है, एक बार आप भी जरूर विजिट करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा पूरी रनवे टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद हमें इतनी अच्छी लोकेशन प्रोवाइड करने के लिए। और हाँ गाइज, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। लव यू ऑल।